फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मुआ अर्पिता दास। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इस मेकअप में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करके दिखाऊंगी। अगर जैसे अभी सीजन चल रहा है ब्राइडल का, तो क्यों ना पार्टी मेकअप लुक के लिए हम बाहर जाए किसी पार्लर के लिए, सोचना भी मत, क्योंकि मैं जो आपको दिखाऊंगी, जो सिखाऊंगी, वो आपके लिए एनफ है। आप घर बैठे काफी सारी चीजें सीख जाओगे, छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करोगे। लेकिन मैं पहले चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नहीं दे सकती। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो प्रोडक्ट्स शॉप से परचेज किए, तो मैं आपको लिंक कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि काफी वक्त ऐसा होता है, वो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ब्लेम ना करो। इसलिए साफ साफ बात मैंने पहले आपको बता दिया, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, तो आपको शॉप से ही जाके परचेज करने पड़ेंगे। और शॉप से जाके परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह चलते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए ब्राइडल लुक के बारे में बात करते हैं। ब्राइडल यानी कि पार्टी लुक, जैसे आपकी फ्रेंड ब्राइड है, लेकिन आपको अभी तो ग्लोइंग दिखना या फिर उससे पास टक्कर देने जैसा दिखना जरूरी है कि नहीं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी दिखाने वाली हूँ कि आप ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे जिससे आप और भी ज्यादा ग्लोइंग मेकअप लुक, पहले जो आप करते थे उसे भूल जाइए, अभी एक न्यू जो आप ट्रिक अप्लाई करोगे उससे आप देखोगे आपका जो मेकअप लुक है काफी ज्यूई और ग्लोई सा आ रहा है, जो कि आपके चेहरे पे चार चांद लगा रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार हो रही है ऊपर से। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी कि आपको किस तरीके से मेकअप की चीजों को फॉलो करना है, किस तरफ और किस किस चीजों को किस किस वक्त फॉलो करना है, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कलर लगा ले रही हूँ, और अभी मैं यूज करने वाली हूँ आई शेडो के लिए ये पॉप फिल का ये आई शेडो पैलेट, जो कि बहुत ही प्यारा सा पैलेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाय द वे सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखा, तो ये वाला मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है क्रीज कलर, यानी मैंने एक चूज किया है अपने लहंगे के साथ ही, पीच कलर को ही चूज कर रखा है, ये वाला कलर। अप्लाई करने वाली है जो ब्लू वाला कलर है, ब्लू आई शेडो के ऊपर मैंने मिला लिया है, ये क्या है, अल्ट्रा शाइनी SFR गर्ल का जो ब्राइडल कलेक्शन है, शाइनी ये वाला कलर, स्काई ब्लू कलर वाला कलर, मैंने इसके ऊपर ये ग्लिटरी इफेक्ट डाल दिया है, क्योंकि शादी का सीजन है तो थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए होता है। अब जो है मैं ऊपर की हाईलाइट करने वाली हूँ जोन को, जो कि है ये वाला कलर, थोड़ा वाइटिश कलर यहाँ पे डाल, ये वाला कलर, ये वाइटिश वाला कलर मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। टू हाईलाइट योर आईब्रोज, आईब्रो को कलर करने का वक्त है, तो मिस क्लेयर का आईब्रो केक यूज कर रही हूँ मैं, दिस वन एंड डेफिनेटली दिस कलर, इन दोनों में से एक कलर मैं यूज कर रही हूँ। माय आईब्रोज आर डन एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का, मैं यहाँ पे सर्वे कलर की यूज करती हूँ ताकि बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिनिश आए। अब पूरा फेस में यूज कर लेती हूँ अपना फाउंडेशन, तो मैं अभी फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत फाउंडेशन मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, अदरवाइज जो मेकअप का लुक है ना एकदम केकी टाइप का हो जाता है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड, फाउंडेशन तो डन हो गया है, लेकिन पार्टी मेकअप है तो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, तो मैं यूज कर रही हूँ ये हुडा का आई शेडो पैलेट। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डेफिनेटली मेरे पास शिवाना भी है और उसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये हुडा का यूज करती हूँ, मुझे ये वाला बेसिकली बहुत पसंद है। और इसमें ऐसे देखिएगा, मैं यूज करने वाली हूँ ये क्राइलॉन का पाउडर, फेस पाउडर है, और ये सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट है। आई थिंक इसका लिंक आपको मैं नहीं दे पाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल है, ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको शॉप से ही मिलेगा। तो ये जस्ट जो एरियाज है उसमें डालना है, हाइलाइटेड एरियाज, देन वहाँ से थोड़ा स्प्रेड करना है। अब
अब मैं इस पर लूज पाउडर यूज करने वाला हूँ। यह जो लूज पाउडर है वो भी क्राइलॉन का ही है। मैं जैसे आपको बताई हूँ कि ये सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट है जो हम लोग मेकअप आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं परचेज कर सकते हो। लेकिन इसे यूजुअली बहुत ज़्यादा आपका कॉस्टिंग पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे ऑल सारे के सारे प्रोडक्ट्स परचेज करके मुझे तकरीबन ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड करना है, इस तरीके से इसे स्प्रेड करना है, बस एक ड्यूई सा फिनिश आएगा इससे। मुझे तकरीबन 70,000 की तरफ मेरा खर्चा हुआ है पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स। तो सोचिए मैं आपको ये कैसे सजेस्ट करूँ, क्योंकि सेल्फ के लिए कोई इतना खर्चा नहीं करेगा, राइट? यूज़ करने वाली हूँ ब्लश, ग्लैम 21 सिक्स कलर ब्लश, और बहुत ही प्यारा सा कलर है ये देखिए, ऑरेंज यूज़ करने वाली हूँ और पिंक भी है, दोनों मिला के मैं यूज़ करूँगी, हल्का सा ऑरेंज हल्का सा पिंक। कॉन्टर जोन से हमेशा ऊपर में ब्लश यूज़ करना चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट शिवाना का हाइलाइटर, मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुझे हाइलाइटर यूज करना बहुत पसंद है। ये इसे एक्चुअली फैन ब्रश यूज करती हूँ। फैन ब्रश यूज कर लेते हैं इस पर वाली हूँ। ये सेटिंग स्प्रे, ये है मार्स का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आईलाइनर की बारी। मेरा मस्कारा लगाना हो गया है। अब लोअर लैश के लिए मैंने चूज किया ये पिंक वाला कलर, क्योंकि मेरे लहंगे के साथ जो है। आईज के लिए मैं यूज करी हूँ ये प्लम का काजल आंखों के लिए, और इसे मुझे करना है स्प्रेड। काजल को स्प्रेड करने के लिए हमेशा मैं यूज करती हूँ ये स्पेसिफिक ब्रश जो कि है वेगा का, राइट? तो इसे स्प्रेड करती हूँ। अब काफी कुछ हो गया है तो मैं यूज करने वाली हूँ ये 9 to 5 का पिंक कलर, और इसका शेड है CP114 पिंक शॉक, जो कि बहुत ही प्यारा सा कलर में दिखा देती है आप लोगों को। तो चलिए मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, अब ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं फिर होते हैं रेडी। सारे प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काइंडली चेक कर लीजिएगा। जो जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए सब मैंने मेंशन किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो राइट इतनी मेहनत कर रहे हैं राइट पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और सारे प्रोडक्ट लिंक्स देखा आपने ये जो लुक था किस तरीके से आया है। जो ये अगर लुक आपको पसंद आए ना, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बोलिएगा सबके साथ शेयर करें। ये क्या पता कोई आपकी फ्रेंड ढूंढ रही हो अच्छा सा मेकअप पार्टी मेकअप लुक ब्राइडल को टक्कर देने लायक। तो इस वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूले, इससे आपको सारी नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगी, राइट? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।